हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ। और आज है सैटरडे और तवीशी की आज छुट्टी नहीं है। मैंने वैसे पहले भी बताया था आपको, तो काम मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है 1 बजे से। और आज क्योंकि सैटरडे है, हमेशा हमारे साथ ही रहती है वो, बहुत ही मतलब मंथ में एक बार बस उसे स्कूल जाना होता है, तो बहुत ही आज खाली खाली सा लग रहा है। क्योंकि हस्बैंड भी फ्री हैं, मैं भी फ्री ही हूँ क्योंकि आज छुट्टी है हस्बैंड की, लेकिन वो नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब बहुत ही खाली खाली बनो। तो बस अभी वो 4 बजे आएगी, खाने वाने की तैयारी करूंगी, लेकिन आज कोई रेसिपी कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सिंपल से दाल चावल या फिर कोई सब्जी जो होगी वो बनाऊंगी। और वैसे भी सब्जियां मेरे घर में अभी खत्म हो रही हैं, और वो आज शाम को हम लोग जाएंगे। और यहीं पर ही मतलब ग्रेटर नोएडा में ही गॉड सिटी के सामने एक मंडी है, तो वहां में हम लोग जाने वाले हैं शाम को। वहीं से ही हम लोग सब्जियां वगैरह ले आते हैं। वैसे तो अपनी सोसाइटी के सामने भी बैठते हैं सब्जी वाले, लेकिन वो जो गौर सिटी के सामने है सब्जी वाले, तो वहां पे थोड़ी सी फ्रेश मिल जाती हैं सब्जियां और वैरायटी भी काफी मिल जाती है, तो ले आएंगे वहां से बहुत सारा सामान। और अभी मैं बैठ के माइंत्रा से जो ऑनलाइन कुर्तीज की जो शॉपिंग है वो करूंगी। कुर्तियां मैंने बताया बिल्कुल खत्म हो रही है, तो देखती हूँ अभी सर्च करती हूँ, काफी टाइम लगेगा इसमें भी। अगर सोचे 1 घंटे में या 2 घंटे में हो जाए, नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और मुझे तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मैं थोड़ी देर देखती हूँ, फिर बोर हो जाती हूँ, एक कुर्ती जैसे सेव कर दी, सेलेक्ट कर ली, फिर उसको कार्ट में डाल देती हूँ। मतलब 2-3 दिन देखती हूँ, और उसके बाद फिर 2-3 साइट से मैच करती हूँ कि अगर सेम वैसी ही कुर्ती मुझे कम प्राइस में मिल रही है तो मैं वहां से लूँ, तो ऐसे करके चलता है। तो बस वही बैठ के अभी करने वाली हूँ शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग। पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे कभी। अभी क्योंकि तवीशी के एग्जाम है, तो हम लोग कहीं जाने की भी नहीं सोच रहे हैं कि भाई मार्केट वगैरह चले जाएं और सामान ले आए, क्योंकि मार्केट जाने का मतलब ये नहीं है कि 1 या 2 घंटे में आ जाओ, बहुत टाइम लगता है, कम से कम 3 से 4 घंटे कहीं नहीं गए। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि घर पर ही अभी शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि कुर्तियां बिल्कुल खत्म हो रही है। और मौसम आजकल जो हो रहा है ना, बहुत ही गर्म गर्म हो रहा है, बहुत गर्म। और उस गर्मी से पता नहीं मेरे फेस पे, देख भी रहे होंगे आपको, मेरा फेस पूरा रेड दिखाई दे रहा है, तो उससे ना एकदम अजीब सी गर्मी गर्मी सी मेरे फेस पे लग रही है, और बहुत गर्म गर्म फील हो रहा है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये आजकल। ये जाकर मैं अपने डॉक्टर को भी दिखाने वाली हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाऊंगी कि ये प्रॉब्लम क्या हो गई है मुझे। और ऐसे ही मेरा जैसे दिन होता है तो मेरा फेस ऐसे पूरा रेड हो जाता है, मतलब ये पूरे चीक्स, तो और थोड़ा सा हल्का सा गर्म गर्म भी फील हो रहा होता है, और ये ज्यादा होने लगा, पहले नहीं हो रहा था। तो आज देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ये, कहीं कुछ और दिक्कत ना हो जाए, तो या तो आज जाएंगे या फिर कल जाएंगे। ये वाली चीज भी मुझे करनी है अभी, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझको, क्योंकि मुझे गर्मी इतनी ज्यादा फील होती है ना अपने चीक्स पर, पूछो मत। बाहर धूप में जाती हूँ तो और ज्यादा रेड हो जाता है, और अगर मैं अभी स्वेटर वगैरह कोई पहन लूंगी ना, तो उसकी भी जो गर्मी है ना वो मेरे फेस पे आती है ना, और ज्यादा मुझे गर्म लगता है। तो देखते हैं, आज हस्बैंड से मैं बोल रही हूँ कि चलो चलते हैं डॉक्टर को दिखा के आते हैं, क्या पता कोई दिक्कत ही हो। ये तो पहले तो अभी मैं शॉपिंग करूंगी, और फिर अगर आ गई और मैंने कुर्तियां सेलेक्ट कर ली तो आपको भी जरूर दिखाऊंगी। और अभी आपके मैं जो मैंने आज अपलोड किया है, यानी फ्राइडे वाला जो व्लॉग है, उस पर आप लोगों के कमेंट देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगता है जब आप मेरी जो मैं आपसे बातें पूछती हूँ, या फिर आप कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट देखना। आप भी बोलते हो कि आपके लाइफस्टाइल हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल हो, आपकी सिंपलिसिटी जो होती है वो आपको हमें पसंद आती है, आप बहुत साधारण से हो। थैंक यू सो मच। और आपकी भी सिंपलिसिटी ही है, आप भी इतने सिंपल हो, तभी तो आप इतने आराम से इतने अच्छे अच्छे मुझे मैसेज करते हो, और मुझे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेट करते हो, तो ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, अभी ज्यादा टाइम तो मैं नहीं खराब करने वाली हूँ, क्योंकि तवीशी जो है ना अभी आ जाएगी, उसके लिए खाने वाने की भी तैयारी करनी शुरू करूंगी, 2:30 से स्टार्ट कर दूंगी। तो बस टाइम 1 घंटा ही है ऑलमोस्ट मेरे पास, तो जल्दी से मैं देख लेती हूँ शॉपिंग, और फिर अगर कुछ अच्छा मिला तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनी। हो गया, बस ये रहा हमारा थैला, और सैटरडे का दिन हमारा सब्जी लेने के लिए। तो आज आप हमारे साथ करना सब्जी मंडी की सैर, है ना? हाँ। मेरी पूछ देखो, पीछे एक बाल की जैसे दिखाई दे रही है। तो चलो, क्या कर रहे हो? एक में आनी आएगी नहीं सारी सब्जियां? सब्जियां और सामान। चलो फिर हम बाहर चलते हैं, लिफ्ट बुलाते हैं। अब तो शाम को भी ठंड कम लगती है ना? हाँ।
आजकल तो स्कूल बोर्डिंग होते हैं क्योंकि सारे पीरियड्स हमारे अरेंजमेंट होते हैं, सारी टीचर्स एब्सेंट होती है, सारी सब एग्जाम्स टाइम के लिए प्रिपेयर कर रही होंगी, क्लास के अरेंजमेंट वगैरह का ध्यान रख रही होंगी, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, इन सब का भी उनको ध्यान रखना है इसलिए। तो अभी हम यहाँ पर बेसमेंट में वेट कर रहे हैं हस्बैंड का, वो गलत चाबी लेकर चले आए थे गाड़ी की, तो अब देखा है कि गलत चाबी है, अब फिर से गए हैं वो घर पर और चाबी लेने के लिए, तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं, 10-15 मिनट तो लगेंगे ही, लिफ्ट को आने में टाइम लगता है, जाने में ऊपर 45 सेकंड लगते, तो आने में तो उसका टाइम भी वहाँ फ्लो लगेंगे अभी 10 मिनट और। और मैं आप लोगों के अभी कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी, तो अभी बीच में यहाँ मंडी आना पड़ गया, मतलब मंडी के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो आधे कमेंट्स अभी रह गए हैं रिप्लाई करने के लिए, और बाद में घर जाऊंगी और फिर आराम से रिप्लाई करूंगी आप लोगों के कमेंट्स के, बताने वाले होंगे वो। पहले सब्जी मंडी वहाँ थी, अब यहाँ हो गई। क्या हुआ? मामा डर रही है, सौ रुपए के बता रहे हो? आधा किलो भैया, सत्तर रुपये ले भैया, दूसरे का फूल नहीं। मटर मटर 20 एक दो खीरा क्या है वैसे? 15 रुपये भाव, 600 ग्राम है। डाल दे रहा हूँ सारा भैया, 20 15 35 35 20 55, 55 ये हो गया आपका 10 65 20 85। क्या चाहिए? तो ये है गौर सिटी जहाँ हम आए हैं, और हमें यहाँ थोड़ा बहुत सामान लेना है, सब्जी वगैरह का तो सारा सामान हो गया, वो जो सब्जी मंडी है वो गौर सिटी के एकदम सामने है, और ये हम बिल्कुल गौर सिटी के अंदर घूम रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट है एक, वहां से हम थोड़ा बहुत सामान ग्रोसरी देखेंगे, अगर हमें जैसा हमें चाहिए वो मिल जाए तो। तो हम लोग आए हैं सिटी प्लाजा, गौर सिटी 1 में है ये सिटी, गौर सिटी 2 में भी एक सिटी प्लाजा, लेकिन हम यहाँ गौर सिटी 1 के सिटी प्लाजा में आए हुए हैं, दिखाती हूँ आपको। हो चुका है, ले लिया हमने, जो हमें ग्रोसरी भी लेनी थी वो ले ली, और जो शॉप है उसका नाम है स्मार्ट शॉप, ये है गौर सिटी 1 में, और अच्छी शॉप है, इसमें काफी रीजनेबल प्राइस पे बहुत अच्छा अच्छा सारा सामान जो ग्रोसरी वाला होता है। अभी मैं भूत जैसी लग रही हूँ, मेरी आवाज सुन लीजिए बस आप, तो वहां पे वो सामान मिल जाता है,
और जो चावल हम लोग काफी महंगे लेके आते हैं बिग बाजार से, वही सेम उसी क्वालिटी के चावल हमें यहाँ पर काफी सस्ते में मिल गए। और भी बहुत सारी चीजें थी जो हमें काफी लगा कि रीजनेबल प्राइस में, मतलब थोक की जो कहते हैं ना होलसेल वाली जो शॉप होती है वो है वो, तो ठीक लगा है ना भाई? ठीक है ना वो प्राइस आपको ठीक लगे? हाँ, तो मेरे हस्बैंड को भी काफी अच्छे लगे, तो अब हम कोशिश करेंगे कि यहीं से ले लिया करेंगे सामान, दालें वगैरह काफी अच्छी क्वालिटी की थी। और जो लोग गौर सिटी में रहते हैं या फिर जो ग्रेटर नोएडा में जो और जगहों पर भी रहते हैं तो वो एक बार जरूर आए यहाँ पर गौर सिटी में, सिटी प्लाजा वन में, तो गौर सिटी वन में है ये सिटी प्लाजा, तो जरूर एक बार यहाँ स्मार्ट शॉप में आकर देखें। तो मुझे तो ठीक लगा, आप भी अपना एक बार आना और एक्सपीरियंस करना यहाँ पर, आपको कितना ठीक लगता है यहाँ का सामान। और मैंने ली है जो सब्जियां, पूरा थैला भर गया सब्जियों का, लेकिन फिर भी वो उतनी सब्जियां नहीं आई हैं, तो बाकी तो बस गाजर है और मूली वगैरह है, क्योंकि कुछ सब्जियां तो अभी घर पे रखी भी हुई थी थोड़ी सी, मतलब एक पत्ता गोभी रखी हुई है और एक फूल गोभी रखी हुई है बस, बाकी जो प्याज आलू टमाटर है ये सब मैं लेकर आई हूँ। तो बस अब घर पहुंचेंगे फटाफट, हम लग गया हमें काफी टाइम, आधा 45 मिनट्स तो लग गए हैं ये सब सारा शॉपिंग वगैरह करने में। तो ये है गौर सिटी, और कई लोग मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ग्रेटर नोएडा में रहते हो और हम लोग भी शिफ्ट होने वाले हैं ग्रेटर नोएडा में ही, क्या वो इतना सेफ है? हमें बहुत डर लगता है, हमने सुना है वहाँ क्राइम है, लेकिन ये सब चीज़ें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं। हम लोग यहाँ एक साल से रह रहे हैं, हमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, हर चीज़ सेफ़ है। और धीरे धीरे अब यहाँ पर बहुत सारे मॉल्स खुलने वाले हैं और मार्केट तो यहाँ काफ़ी अच्छे हैं, तो आगे ये बहुत ही अच्छा डेवलप होने वाला है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं यहाँ शिफ्ट होने से पहले कि यहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं है या फिर यहाँ सेफ़ नहीं है, तो ये सब आपकी गलतफहमी है। एक बार आप जब यहाँ पर रहेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये जगह भी उतनी ही डेवलप्ड है और उतनी ही सेफ़ है जितनी की और जगह हैं। तो बस ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।